हाय फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने पूरे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, बहुत से क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इजी हैं जो आपको बन सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था, कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके माता का नाम पुतलीबाई है और पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य में इंग्लैंड में जन्मी मीरा बहन है। ये मीरा बहन ने उनको नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। उनका रियल नाम था मैडलिन स्लैड। याद रखिएगा फ्रेंड, महात्मा गांधी की जो प्रमुख शिष्या थी वो इंग्लैंड में जन्मी मीरा बहन थी। मीरा बहन को मीरा बहन नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लैड। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड वह 1888 में गए और मुंबई से गए। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड वह 1888 में गए और 1891 में उन्होंने अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर ली थी। तो महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में 1888 में गए, 1891 में वापस आ गए कानून की डिग्री लेके। इसके बाद वह है दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। महात्मा गांधी 1893 में एक अब्दुल्ला थे, उनके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। महात्मा गांधी 1893 में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में उन्होंने महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक प्राप्त किए। तो महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे 1888 में और 1891 में वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में उन्हें जुलू और बोअर पदक मिले। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। महात्मा गांधी के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी तथा यही दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था वो 1906 में किया था, जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका के लिए किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों के लिए सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में किया था। महात्मा गांधी का पहला प्रयोग भारत में नहीं था, महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आश्रम की स्थापना की हैं। उन्हें जैसे साबरमती आश्रम है, टॉलस्टॉय फार्म है, ऐसे ही उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। याद रखिएगा ये सन मेन, याद रखिएगा 1904 में अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में। महात्मा गांधी ने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो हम लोग 1924 लिख के आते हैं। 1924 जो बेलगांव में उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन भाग लिया था उन्होंने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में।
नेक्स्ट है, सबसे पहले महात्मा गांधी जेल कब गए या उनको जेल का अनुभव सबसे पहले कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी जो जेल थे, सबसे पहले जेल गए थे 1908 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी जेल गए थे 1908 ईस्वी में। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जेल का अनुभव हुआ था 1908 में ही। वे उन दक्षिण अफ्रीका में ही जेल चले गए थे। महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में की, जोहान्सबर्ग में। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग में। महात्मा गांधी 1915 में जब वापस आए थे तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए। महात्मा गांधी 1915 में जब आए थे तो वो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी जी ने की। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में की। महात्मा गांधी सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में लिया था उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने की थी 1924 में बेलगांव में। एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष सक्रिय रहे थे? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में थे वो 21 वर्ष सक्रिय रहे थे। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह आत्मकथा उन्होंने 1925 में लिखी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखी। राम राज्य का युगल सिद्धांत उनका था, सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने की। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में महात्मा गांधी जी ने की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी उन्होंने 23 सितंबर 1925 में की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925, याद रखिएगा 1923 में उन्होंने खादी बोर्ड की और 23 सितंबर 1925 में उन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। सेवाग्राम आश्रम उन्होंने 1936 में महाराष्ट्र के वर्धा में बनाया। सेवाग्राम आश्रम 1936 में महाराष्ट्र के वर्धा में बनाया। अनासक्ति आश्रम 1929 में कौसानी उत्तराखंड में बनाया। अनासक्ति आश्रम 1929 में कौसानी उत्तराखंड में बनाया। सेवाग्राम आश्रम 1936 में वर्धा में महाराष्ट्र में, और अनासक्ति आश्रम 1929 में कौसानी उत्तराखंड में। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनसे बाहर महात्मा गांधी का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम रेगुलर नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं, और जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए हैं वो तो आपको सबको याद ही रहे होंगे। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1909 अगस्त 1942 में है। तो ये क्वेश्चन जनरली हमको मिल जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट होकर आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।